हाउ टू चेंज इन लाइफ, लाइफ में बदलाव कैसे लाए। चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था रेजिस्टेंस टू चेंज, बदलाव लाने के लिए जो रेजिस्टेंस आते हैं वो क्यों आते हैं और उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए, उसके बारे में हमने बहुत कुछ समझा था। यहाँ पर यू कैन हील योर लाइफ के ये किताब में से चैप्टर नंबर 7 में हम समझेंगे हाउ टू चेंज। नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है, मैं लाइफ एंड इनर वेलनेस कोच हूँ। एंड आप ये चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को जरूर से सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले मेरे वीडियो की जानकारी आप सबको मिलती रहे। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। लेट्स बिगिन विथ टुडेज चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, हाउ टू चेंज इन योर लाइफ। क्या आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं कि एक ही किताब में सारी किताबों का ओवरऑल समरी मिल जाए, सारी किताबों का विजडम मिल जाए, या एक ही वीडियो में से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाए? तो बिलीव मी, चैप्टर नंबर 7 और आज का वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, ये बहुत सारी किताबों का और बहुत सारे रिट्रीट प्रोग्राम आपने इन पर्सन भी अटेंड किए हैं, उस सभी का जवाब ये एक वीडियो के अंदर है। यहाँ पर लगभग 9 एक्सरसाइज है और 15 से ज़्यादा टॉपिक है। हो सकता है ये सिर्फ एक वीडियो आपको ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा ये वीडियो आपकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करे। सो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान से ये वीडियो आपको सुनना है, समझना है। बहुत सारी एक्सरसाइज आएगी जहाँ पर मैं एक्सरसाइज के जो स्टेप्स है, जो एक्सरसाइज के अंदर आपको जो प्रोसेस करनी है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, आप उसको पहले तो पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एवरी एक्सरसाइज के लिए आप अगेन वो वीडियो को देख सकते हैं एंड पॉज कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं वगैरह करते हुए आप ये वीडियो को बराबर से समझें। बिलीव मी, ये वीडियो को तैयार करने में मैंने कम से कम 15 दिन लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं इसकी अहमियत, इसका इम्पोर्टेंस। सो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत कुछ आप यहाँ से लेके जाने वाले हैं, स्पेशली एक लास्ट एक्सरसाइज है विजुअलाइजेशन, जहाँ पर आप अपने सोर्स जो आपके पेरेंट्स हैं उसके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे, अपने इनर चाइल्ड को हील कर पाएंगे अमेजिंग वे से। मुझे मेरी लाइफ में ये पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज से मेरे पेरेंट्स के साथ के रिश्तों में बहुत बड़ा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ले पाई थी, और इतना ही नहीं मेरे बच्चों के साथ मेरे रिश्ते में और अच्छे कर पाई थी। सो ओवरऑल ये वंडरफुल चैप्टर है, आई एम श्योर एवरीवन इज एक्साइटेड एंड इवन आई एम एक्साइटेड टू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं बदलाव की, तब हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में सारी थ्योरी बेकार है जब तक हम जानते नहीं हैं कि उसको सच में वो सारी थ्योरी को, यानी वो सारे नॉलेज को अप्लाई कैसे करें और उसमें से कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करें, इजंट इट। सो यहाँ पर ये चैप्टर में लॉट ऑफ एप्लीकेशन, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस है कि आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे और सच में अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते हुए, अप्लाई करते हुए अपनी लाइफ में आप अमेजिंग ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स यहाँ के लेके जाएंगे। सो हमें लाइफ में ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स चाहिए तो हमें हमारी नीड को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 7 में हम रिलीजिंग द नीड की एक्सरसाइज करने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था कि नीड का कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हुए एड्रेस करना है, तभी हम रेजिस्टेंस को हम ओवरकम कर पाएंगे। जब हम रिलीज करने की बात करते हैं, हमारी कोई ऐसी रिपीटेड पैटर्न है, तब हो सकता है कि ये परिस्थिति और बिगड़ जाए, हमें ऐसा लगे कि हम कहीं ना कहीं और ज़्यादा कोई डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या तो वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि आपके पास एक ऐसा कोई बिहेवियर पैटर्न है जैसे गुस्सा करना, और आप गुस्से के ऊपर काम करते हैं कि गुस्सा ना आए, और जब आप इसको रिलीज करने के पूरी प्रोसेस में है तब आप देखेंगे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कोई जैसे कि शुगर नहीं खाना वैसा सोच रहा है और वो प्रोसेस में है, उसको छोड़ना चाहता है,
दीज आर द एग्जाम्पल्स जस्ट आपको समझने के लिए. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको और ज़्यादा शुगर का क्रेविंग हो रहा है. सो इट्स अ गुड न्यूज़ कि वो क्रेविंग होता है, उसको देखे और फिर भी आप डटे रहे वो पैटर्न को रिलीज करने के ऊपर, और आप देखेंगे कि वन फाइन डे आप वो पैटर्न को रिलीज कर पाएंगे. जैसे कोई बहुत टाइम से गंदा कमरा है, बंद कमरा है, साफ कर रहे हैं तो हो सकता है शुरुआत में, और जब आप सफाई कर रहे हैं तो और ज़्यादा यू नो डस्ट आए, लेकिन आप लगातार लगे रहते हैं, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद कमरा साफ मिलेगा ही मिलेगा. सो रिलीजिंग के प्रोसेस में जब आपको ऐसा लगे कि सिचुएशन बिगड़ रही है, तब आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो पूरे अर्थ प्लैनेट ने जिस इंटेलिजेंस को बनाया है, जो इंटेलिजेंस ने पूरा प्लैनेट, ये पूरा यूनिवर्स बनाया हुआ है, वही इंटेलिजेंस आपके अंदर भी है. प्रोवाइडेड आपको सिर्फ अपने इनर गाइडेंस के ऊपर ट्रस्ट करना है, और आपको जो जो भी जानने की ज़रूरत है, जो भी वॉट एवर यू नीड टू नो, वो सही समय पे आपके साथ रिवील होगा ही होगा, आपको रिवील होगा ही, वो सारी बातें आपको समझ में आने ही लगेगी, आपको पता चलने ही लगेगा. सो ये पूरी प्रोसेस है हीलिंग की. आप जब नीड को रिलीज कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के ऊपर और अपने इनर गाइडेंस के ऊपर भरोसा रखना आप भूलिएगा मत. अब हम यहाँ पर रिलीजिंग द नीड के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं. गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर आप थोड़ी मोमेंट के लिए ये वीडियो को पॉज करते हुए भी सोचिए कि आपको जब ये एक्सरसाइज जब आप करने जा रहे हैं, आपके अंदर की नीड को जब आप रिलीज करने जा रहे हैं, तो आपको ऐसी कौन सा टॉपिक है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो आप सच में इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उसको ओवरकम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में से रिलीज करना चाहते हैं. तो आपके पास मौका है, आप उसको चुने, सेलेक्ट करें. पॉज दिस वीडियो फॉर अ मोमेंट, जस्ट सोचिए थोड़े मोमेंट के लिए, एंड फिर आपने कोई भी एक टॉपिक, मान के चलो, कंसिडर करती हूँ कि आपने पकड़ा, उसको सिलेक्ट कर लिया है, जैसे कि ओवर ईटिंग, एंग्जाइटी, एंगर इश्यू, कोई भी आपने उसके ऊपर काम करना है. सो अब आपको वो एक टॉपिक को माइंड में लेते हुए, जो पैटर्न के ऊपर आपको काम करना है वो लेते हुए, आप ये पूरा एक्सरसाइज पार्टनर के साथ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पार्टनर बिल्कुल कहीं पे भी जजमेंट के बगैर आपको लिसनिंग फ्रॉम नथिंगनेस, यानी कि कहीं नथिंगनेस से आपको सुन सकता है, तो ऐसा पार्टनर चुनिए. या तो आप ये एक्सरसाइज मिरर के साथ कर सकते हैं. कंसिडर करती हूँ कि आप ये एक्सरसाइज अकेले अपने मिरर के साथ कर रहे हैं. करना क्या है, आपने जो पैटर्न सिलेक्ट करी है आपकी लाइफ में, वहाँ पर मिरर के सामने खड़े रहते हुए आपको जोर से, यू नो, से इट अलाउड, आपको ये कहना है, आई नाउ रियलाइज दैट आई हैव क्रिएटेड दिस कंडीशन. आपको मिरर के सामने बोलना है कि अब मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि मैंने खुद ने ही ये सारी कंडीशंस क्रिएट करी है, and I am now willing to release the pattern in my consciousness that is responsible for this condition. So ये जो pattern है, जो ये condition के लिए responsible है, अब मैं उसको release करने के लिए तैयार हूँ. आपको ये बार बार बोलना है और feelings के साथ बोलना है. आपको ये बोलते रहना है जब तक आप खुद, जो भी आप बोल रहे हैं उसमें आप खुद कन्विंस है कि नहीं. आप पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो आपका पार्टनर सच में फील करे कि आप दिल से बोल रहे हैं और आप सच में यू मीन इट व्हाट यू सेड, तब तक आपको ये बोलना है. ये पर्टिकुलर रिलीजिंग द नीड की एक्सरसाइज आपको रिपीट करते रहना है जब तक आप सच में ये बिहेवियर पैटर्न में से आप हमेशा के लिए बाहर ना आ पाए. रिलीजिंग योर नीड की एक्सरसाइज के बाद हम पावर ऑफ माइंड के बारे में समझेंगे. माइंड के पावर की हम बात कर रहे हैं विद दिस वंडरफुल थॉट कि एवरी थॉट यू थिंक एंड एवरी वर्ड यू स्पीक इज बीइंग रिस्पॉन्डेड टू.
एंड द पॉइंट ऑफ पावर इज इन द मोमेंट. तो हम जो भी हर एक शब्द जो हम बोलते हैं और हर एक थॉट है जो हम सोचते हैं, वो सब कुछ हमें सामने रिस्पॉन्ड करता है एंड प्रेजेंट मोमेंट में ही पावर है. तो ये बात को समझते हुए हमारा माइंड और उसके पावर को हम समझते हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बात को यहाँ पर हम समझते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमें ऐसा लगता है कि हमारा माइंड एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम हमारे माइंड के कंट्रोल में है, बट ये जो हमने सोच के रखा है वो भी हमने ही इस प्रकार से हमारे माइंड को ट्रेन किया है, अपने आप को ट्रेन किया है. तो हमने ये जो ट्रेनिंग दी हुई है कि वी आर नॉट, यू नो, वी कैन नॉट कंट्रोल अवर माइंड एंड वी आर इन कंट्रोल ऑफ अवर ओन माइंड, तो ये बात को हम दोबारा से रीट्रेन कर सकते हैं और हम रीट्रेन करते हुए हम दोबारा से एक नया फ्रेम हमारे माइंड को दे सकते हैं. जिस तरीके से हम हमारे माइंड को यूज़ कर रहे हैं, सिंपली ये एक हैबिट है और ये हैबिट है तो गुड न्यूज़ ये है कि हैबिट को हम चेंज कर सकते हैं. आप अपने माइंड के अंदर के जो थॉट्स है जो आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड प्रोवाइडेड हर एक थॉट्स एंड हर एक शब्द जो आपने बोले हैं जो आपको ही रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि आपके ही लाइफ में आपको रिजल्ट देते हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक थॉट्स को आप कॉन्शियसली चूज करें एंड कॉन्शियसली चूज करते हुए अपने माइंड को दोबारा से रीट्रेन करें और देखें आप अपने माइंड को जब आप कंट्रोल करते हैं और ये टूल क्यों, ये माइंड एक एज अ टूल इसका यूज करते हुए आप इसके पावर को समझते हैं, तो आपको लाइफ में जो भी चाहिए, यू कैन चूज टू यूज एनी वे यू विश दिस टूल, एंड आपको लाइफ में जो भी रिजल्ट चाहिए आपको मिल सकते हैं इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड. फॉर द कंट्रोलिंग योर माइंड आई एम अगेन रिपीटिंग, जस्ट फोकस करे आपके थॉट्स को एंड कॉन्शियसली आपके वर्ड्स एंड आपके थॉट्स को चूज करें एंड देखें आपको जो भी चाहिए वो रिजल्ट मिलेगा. बहुत सिंपल सी बात है, मैं हमेशा मेरे सेमिनार में कहती हूँ और हमेशा ये बात को दोहराती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में भी मैंने ये गलती करी थी, और वो ये है कि हम हमेशा वैसा ही बोलते हैं और सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए, एक्सपेक्ट करते हुए कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा. ऐसा बोलने से कि जो हमें नहीं चाहिए वैसा बोलने से हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा. एग्जाम्पल कि बच्चा तू टीवी मत देख ऐसा बोलते हैं, वैसा एक्सपेक्ट करते हुए कि वैसा बोलने से बच्चा टीवी बंद करके पढ़ाई करना शुरू कर देगा. प्रोवाइडेड आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, तो आपको वही सोचना है, वही बोलना है. ये बहुत सिंपल सी बात है. तो आपको आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स को कॉन्शियसली चूज करते हुए ये टूल का प्रॉपर यूज करते हैं, तो आपको जो भी रिजल्ट्स चाहिए आपकी लाइफ में मिल सकते हैं. सो ये माइंड के पावर को समझते हुए आपको कॉन्स्टेंट कहना है कि मेरे लिए अब मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना बहुत आसान है, क्योंकि जो भी थॉट हम सोचते हैं और जो शब्द हम बोलते हैं वो हमें रिस्पॉन्ड करता है. तो व्हाई नॉट कि हम कॉन्शियसली अभी हमें जो चाहिए वो हम चूज करें और बोले. कॉन्स्टेंटली आप बोले कि मेरे लिए मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना बहुत आसान है, मैं मेरी लाइफ में सकारात्मक बदलाव ला सकता हूँ, मैं मेरी लाइफ को ठीक कर सकता हूँ. आपको अपनी हेल्थ में रिजल्ट चाहिए, आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है, आपके रिलेशनशिप में आपको बेहतर परिणाम चाहिए, आपको ये कॉन्स्टेंट बोलते रहना है कॉन्शियसली अपने माइंड के पावर को, माइंड को एज अ टूल यूज करते हुए आपको जो भी डिजायर्स रिजल्ट्स लेने हैं वो आप ले सकते हैं. चलिए हम यही माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए वंडरफुल एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है लेटिंग गो. आप ये एक्सरसाइज अगेन करने के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाइए. पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप ये वीडियो को
ईयरफोन से या आप एक शांत जगह पर बैठते हुए स्पीकर ऑन करके भी सुन सकते हैं और ये पूरी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। शांत जगह पर बैठना है ये पूरी प्रोसेस को करने के लिए, एंड लंबी गहरी सांस लेनी है और अपना पूरा बॉडी रिलैक्स करना है, अपने पैर से लेके सिर तक के पूरे सारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स करना है, रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाना है। दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। जब आप पूरी तरीके से रिलैक्स है और आपका मन बिल्कुल शांत है, तब अब मैं जो बोलने जा रही हूँ वो आपको मेरे साथ दोहराना है, या तो आप इसको लिख के बाद में भी दोहरा सकते हैं, या तो अपने वीडियो अपने खुद के वॉइस को रिकॉर्ड करते हुए भी उसको सुन सकते हैं, या तो आप खुद भी बोल सकते हैं याद रखते हुए। तो चलिए हम ये प्रोसेस में लेटिंग गो की ये पूरी एक्सरसाइज में ये प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज्ड, आई लेट गो, आई रिलीज ऑल टेंशन, I release all fear, I release all anger, I release all guilt, I release all sadness, I let go of all old limitations, I let go and I am at peace, I am at peace with myself, I am at peace with the process of life, I am safe. मैं लेट गो करने के लिए तैयार हूँ, मैं रिलीज कर रहा हूँ, मैं लेट गो कर रहा हूँ, मैं टेंशन को रिलीज कर रहा हूँ, मैं फियर को रिलीज कर रहा हूँ, मैं एंगर को रिलीज कर रहा हूँ, गिल्ट को रिलीज कर रहा हूँ, मेरे जीवन में से मैं सैडनेस को रिलीज कर रहा हूँ, मैं सारे ऐसे जो पुराने लिमिटेशंस है मेरे अपने खुद के, मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ, मैं उसको जाने देने की अनुमति दे रहा हूँ, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ, मैं खुद शांत प्रकृति में हूँ, मैं शांत हूँ और मैं ये पूरी लाइफ की प्रोसेस में मुझे पूरा ट्रस्ट है एंड मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप बार बार करें, रिपीटेडली करें, जब तक आपको लगे कि सच में सारे लिमिटेशंस हैं जो आपको पता भी नहीं है, वैसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ है, लिमिटेशन है, वो सब कुछ भी जब तक सबकॉन्शियस माइंड के लेवल में रूट से भी ना निकल जाए, ये सारी सैडनेस, गिल्ट, सारे लिमिटेशंस, तब तक इसको करते रहे। हो सकता है किसी को एक हफ्ते में रिजल्ट मिले, किसी को दो हफ्ते या चार हफ्ते, आप एक ना एक दिन इसको कांस्टेंट लगातार आप जब इसको करते रहते हैं ये पूरी प्रोसेस को, लेटिंग गो की प्रोसेस को, तो आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा कचरा साफ हो जाएगा। आइए लेटिंग गो की एक्सरसाइज के बाद हम फिजिकल रिलीजिंग की एक्सरसाइज के बारे में भी समझते हैं। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम ये लेटिंग गो एक्सरसाइज जो हम मेंटल इंस्ट्रक्शंस देते हुए मिरर के सामने या पार्टनर के साथ कर रहे हैं और उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, फोकस नहीं हो पा रहा है, तो आप फिजिकल रिलीजिंग भी कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हमारे जो भी इमोशंस है, एक्सपीरियंस है पास्ट के, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस जो ट्रॉमेटिक होते हैं स्पेशली, वो कहीं ना कहीं वो इमोशंस हमारी कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन्स में स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि बैक पेन होना, कहीं ना कहीं शोल्डर स्टिफ हो जाना, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं काफ़ी लोगों को। तो ये एक्सपीरियंस है, उसका एक रीज़न तो हो सकता है कोई फिजिकल इशू है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये साइकोसोमेटिक हो सकता है, यानी कि साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं। 97% से ज़्यादा डिसीज साइकोसोमेटिक है। तो आपको फिजिकल रिलीजिंग एक्सरसाइज भी साथ में करनी चाहिए जब आप ये हीलिंग की प्रोसेस में है। फिजिकल रिलीजिंग एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। मोस्ट पॉपुलर है वो, आप जैसे कि अपनी खुद की कार है,
कार के सारे आप ग्लास को बंद कर दीजिए एंड कार को कंप्लीटली लॉक करके अंदर बैठ जाइए एंड जस्ट कार के अंदर अपना गुस्सा निकालिए, जितना भी स्क्रीम करना है जो भी करना है आप कर सकते हैं, फिजिकली भी आप अपने हैंड को जस्ट पुश लाइक पंच कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपनी कार को डैमेज ना कर दे, अपने आप को डैमेज ना करे कहीं पर। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप इस प्रकार की फिजिकल रिलीजिंग एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। काफी लोग जैसे कि पिलो को हिट करना या इस प्रकार की भी बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज है वो भी करते हैं। ये सारी होलिस्टिक ट्रीटमेंट है जापान के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज में धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। और वो है क्राइंग सेंटर खोलते हैं, क्राइंग पार्लर जिसको हम कहते हैं, कि जहाँ पर्सन जाता है और जो भरा है सारे इमोशंस भरे पड़े हुए, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इंसान, और जो एक्सप्रेस नहीं करता है और फिर वो बॉडी के कोई ऑर्गन्स में स्टोर हो जाता है और वो फाइनली डिसीज के फॉर्म में बाहर निकलता है। सो बेटर है उसको एक्सप्रेस करे और उसको निकाल दे। तो जैसे क्राइंग पार्लर में लोग जाते हैं और वहां पर लिटरली रोते हैं और अपने सारे इमोशंस को वो खाली करते हैं, और अपने जो मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपनी हेल्थ को रिस्टोर करते हैं। फिजिकल रिलीजिंग के ये एक्सपीरियंस को डेफिनेटली आप यहाँ पर शेयर कीजिएगा एंड कुछ सवाल है तो भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम हीलिंग की प्रोसेस में एडवांस लेवल पर आगे बढ़ते हैं। और ये एडवांस लेवल इस तरीके से है कि यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट पर हम यहाँ पर आए हैं जिसके ऊपर आप सभी लोगों को काम करना है, एंड वो है पास्ट। काफ़ी लोग हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में कभी भी जी नहीं पाते हैं, वो हमेशा पास्ट में ही रहते हैं। बट बिलीव मी, पास्ट इज़ ओवर एंड डन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। और ये हमें पता होने के बावजूद भी हम उसमें से बाहर नहीं आ पाते हैं और हमेशा हम पास्ट में जो घटनाएं हुई है अपने आप को विक्टिमाइज्ड कैरेक्टर बनाते हुए हमेशा रोते रहते हैं एंड पास्ट की बातें करते रहते हैं कि काश मेरे साथ ये हो जाता और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ होता तो मुझे ये मिल जाता, वो मिल जाता, मुझे इसने ये कहा जो मैं भूल नहीं पाता, मेरे साथ ये हुआ जो मैं कभी भी भूल नहीं पाता। और उस बातों को जब हम कॉन्स्टेंटली याद करते जुड़े रहते हैं तो हम कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में जो एक्सपीरियंस करना है लाइफ की ब्यूटी का या लाइफ के प्रोसेस में जो रहना है वो हम नहीं रह पाते हैं। पास्ट इज़ ओवर एंड डन, एंड जब पास्ट कंप्लीट हो गया है, जो पास्ट में चला गया है, तो वो सिर्फ हमारे लिए एक मेमोरी बन जाती है। एग्जाम्पल कि आप बचपन में 5 साल के थे या 7 साल के थे और स्कूल में आप जो यूनिफॉर्म पहनते थे, आज आप वो यूनिफॉर्म को याद करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म को, तो वो आपके लिए एक मेमोरी है। तो ये सिर्फ आप ये मेमोरी है और वो आपसे इमोशनली कहीं अटैचमेंट नहीं है। सेम आपके पास्ट के साथ आपको बिहेव करना चाहिए, चाहे वो कितना भी ट्रॉमेटिक पास्ट हो, बट उसके साथ जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं तब वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी एक्सपीरियंस जो लाइफ के होने चाहिए वो नहीं लेने देता है एंड हम और ज़्यादा ट्रॉमा में रहते हैं। करना क्या है, इमोशनल अटैचमेंट है पास्ट से, उसको डिस्कनेक्ट करे, उसको एज अ मेमोरी याद करे एंड प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करे। यहाँ पर हम रिलीजिंग द पास्ट की वंडरफुल एक एक्सरसाइज करेंगे। करना क्या है, आपको अगेन आंखें बंद करते हुए शांत जगह पर बैठ जाना है और शांति से बैठते हुए लंबी गहरी सांसें लेनी है और लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को तैयार करना है कि आप अब पास्ट को रिलीज करने के लिए तैयार है। और जब आप पास्ट को एब्सोल्युटली रिलीज करने के लिए तैयार है तब आपको अपने आप को ये सवाल पूछने हैं, हाउ विलिंग आर यू टू डू दिस। ये जो भी पास्ट को आप रिलीज करना चाहते हैं, एक एक से ज़्यादा मेमोरी है, ट्रॉमेटिक है, जो आपको खुद को लग रहा है आपको डैमेज कर रही है बट आप नहीं भूल पा रहे हैं, तो पूछिए
ये सारी बातों को लिस्ट बनाते हुए, ध्यान में रखते हुए कि हाउ विलिंग आर यू टू डू दिस, आप ये जो रिलीजिंग प्रोसेस, पास्ट को रिलीज करने की प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप वो कितने विलिंग है, कितने तैयार है। नोटिस करें आपका रिएक्शन। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन अपने आप को पूछे, व्हाट विल यू हैव टू डू टू लेट दीज थिंग्स गो, आपको ये सब रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। What will you have to do to let these things go? जिससे ये सारी चीजें जाए, क्या करना पड़ेगा। And most important thing है, how willing are you to do so? और आप ये सब करने के लिए, जो आपको करना पड़ेगा ये सबको release करने के लिए, इसके लिए आप कितने तैयार है। And what is your resistance level? और आपका resistance level क्या है। 10 में से score करें अपने आप को and past को absolutely आपकी लाइफ में से रिलीज करें। क्योंकि जब तक आप पास्ट को रिलीज नहीं करते हैं, आप कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएंगे। और अपनी लाइफ को डिजाइन करना है तो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए ही कर पाएंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक एक ग्लास के अंदर ऑलरेडी कुछ भरा हुआ है, तब तक आप उसमें कुछ और नहीं भर सकते। आपको पूरा खाली करना पड़ेगा। आपके पास्ट को एज अ मेमोरी आप याद रखें, उसमें से जो लेसन्स याद रखने हैं वो याद रखें, और देखें आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में तभी रीडिजाइन कर पाएंगे जब आप सक्सेसफुली अपने पास्ट को रिलीज कर पाएंगे। करिए ये एक्सरसाइज, और आपको कुछ सवाल है या कुछ एक्सपीरियंस होता है तो कमेंट में जरूर से शेयर कीजिएगा। जब आप पास्ट को रिलीज करते हैं तो अब आपके पास रूम है कि जहां पर आप और ज़्यादा अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एक और टूल है जो हमें सभी लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो होना है, अपनी लाइफ को ठीक करना है, मेंटल हेल्थ में कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, तो फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है लाइफ में जो हमें एज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के तौर पर हमारे माइंड में और बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होता है, और हम समटाइम्स रेडी नहीं होते हैं वो बात को भूलने के लिए और वो जो तो पर्सन को माफ़ करने के लिए। लेकिन जब तक आप विलिंग नहीं है फॉरगिवनेस करने के लिए, फॉरगिवनेस आप टूल अडॉप्ट नहीं करते हैं, आप कंप्लीटली स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो पाते हैं। फॉरगिव अपने आप को करें, और पास्ट में जो भी है वो सब पास्ट को रिलीज करें, और देखें आप स्पिरिचुअली ग्रो बहुत ही क्विकली होना शुरू हो जाएंगे। फॉरगिवनेस एक्चुअली सारे सवालों का जवाब है। फॉरगिवनेस इज आंसर टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑल द क्वेश्चंस। हमेशा याद रखिए, लव इज ऑलवेज द आंसर टू हीलिंग ऑफ एनी सॉर्ट। कोई भी प्रकार का ट्रॉमेटिक, कोई भी एक्सपीरियंस हो, उसकी जो मेन मेडिसिन है, वो दवाई है, वो है लव। एंड द पाथवे टू लव इज फॉरगिवनेस। जो प्यार के लिए जो रास्ता है वो फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस से ही आप लव के लिए अपना स्पेस बना पाएंगे, अपने रूम में लव को जगह तभी दे पाएंगे अपने इनर वर्ल्ड के अंदर। इनर स्पेस की बात कर रही हूँ कि जब आप फॉरगिव करते हैं किसी को, तभी आप लव की जो प्योर एनर्जी है, जिससे आप अपने आप को और पूरे वर्ल्ड को हील कर सकते हैं, उतनी बड़ी ताकत है, तभी आप उसको जगह दे पाएंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फॉरगिवनेस की आर्ट को सीखे, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस डिजॉल्व्स ऑल द रेजेंटमेंट। जो भी नाराजगी है वो सारी फॉरगिवनेस से डिजॉल्व हो सकती है। इट्स सो पावरफुल, राइट। तो आपको लव लोगों में बांटना है, अपने लाइफ में भी लाइफ को ठीक करना है, हील करना है, तो फॉरगिवनेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं कि रेजेंटमेंट है हमारे लाइफ के अंदर जो फॉरगिवनेस के लिए रुकावट बनता है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पर वंडरफुल एक्सरसाइज है। चलिए हम ये एक्सरसाइज का भी एक्सपीरियंस करते हैं। आप ये एक्सरसाइज को पहले समझे कि कैसे इसको करना है, और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज को बार बार कर सकते हैं जब तक आप कंप्लीटली डिसॉल्व ना कर पाए अपने रेजेंटमेंट को। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक अपनी शांत जगह पसंद करके बैठ जाना है। शांति से बैठिए क्वाइट प्लेस के ऊपर एंड
कंफर्टेबल पोजीशन आप अडॉप्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आंखें बंद करते हुए थोड़ी लंबी गहरी सांसें लीजिए और फिर रिलैक्स हो जाइए। पूरे बॉडी को कम्प्लीटली जो हम खींच कर रखते हैं उसको रिलैक्स कर दीजिए, पूरी बॉडी को हेड टू टोस, एंड पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हुए जस्ट इमेजिन करें। जब आप कम्प्लीटली रिलैक्स है तब इमेजिन करें कि आप एक डार्क थिएटर रूम के अंदर है और आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है और वहाँ पर आप जो पर्सन जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, जिससे आप नाराज़ है, रेजेंटमेंट है आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, चाहे वो पर्सन जिंदा हो या मरा हुआ भी हो, बट आपकी नाराज़गी उसके साथ है कोई बात को लेके, वो पर्सन को वो पर्दे के ऊपर ला के देखिए। जस्ट इमेजिन आप उसको लेके आ रहे हैं पर्दे पर, वो पर्सन दिख रहा है एंड वो पर्सन जैसे ही दिखे जस्ट देखना शुरू करें कि वो पर्सन के साथ बहुत सारी अच्छी बातें हो रही है, वो बातें जो वो पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है। आप देखें जब वो पर्सन के साथ वो सारी अच्छी बातें हो रही है तब वो पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है और आपको जेन्युइनली इसको देखना है कि वो पर्सन के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है और वो पर्सन बहुत ही खुश है। आप जब तक खुद के साथ कन्विंस ना हो जाए कि 100% आप वो पर्सन की खुशी देख पा रहे हैं और वो खुशी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, तब तक उसको देखें। जब आप कम्प्लीटली श्योर हो जाते हैं कि यस वो पर्सन के साथ अब आपकी कोई नाराज़गी नहीं है, वो पर्सन की खुशी के साथ अब आप खुश हो रहे हैं, तब आप जस्ट विजुलाइज करें कि स्क्रीन पर से वो पर्सन हट चुका है एंड अब नेक्स्ट स्टेप करना है वही स्क्रीन पर अपने आप को देखें और देखे अपने आप को भी कि आपके साथ भी वो सारी घटनाएं घट रही है जो आपको पसंद है, आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है। एंड जरूरी नहीं है कि वो पर्सन के साथ ही आपकी सारी घटनाएं घट रही है, बट जैसे कि आपकी जो भी ड्रीम्स है वो आप अचीव कर रहे हैं, आपकी जो डिज़ायर है आप उसको अचीव कर चुके हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो सारी पॉसिबल चीज़ों को आप विजुलाइज करें एंड देखे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपके अपने प्रति भी कोई नाराज़गी है तो वो भी चली जाएगी। एंड याद रखे यूनिवर्स के अंदर अबंडेंस है सबके लिए। जब आप किसी के लिए अच्छा उसके साथ हो रहा है जब सोच सकते हैं तो आपके साथ भी हो सकता है। सो ये टू स्टेप्स में आप डिसॉल्व करें रेजेंटमेंट को एंड देखिए आप अपने लिए, अपने अंदर की दुनिया में फॉरगिवनेस के लिए और बड़ी जगह बना रहे हैं अपने इनर वर्ल्ड के अंदर। कैसा लग रहा है ये एक्सरसाइज करने के बाद जरूर से शेयर करें एंड आपको ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट करनी है। एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं और एक ही पर्सन है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको काम करने में, तो आप रुक जाइए, ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, आप दोबारा ट्राई करें। वैसे करते हुए आप कंफर्टेबल हो जाएंगे वो पर्सन के साथ अच्छा हो रहा है वो देखने के लिए और अपने आप नाराज़गी दूर होती चली जाएगी। आपके एक्सपीरियंस जरूर से यहाँ पर शेयर कीजिए। अब हम नई एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो है रिवेंज। जब हम रिवेंज की बात करते हैं तो हमारे अंदर अभी भी कोई एक ऐसा बच्चा पड़ा हुआ है जिसने कहीं ना कहीं तय करता है हमेशा कि ये बात का तो मैं बदला लूँगा। एंड जब तक आप इस तरीके से रिवेंज के मूड में होते हैं तब तक आप फुल्ली किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम रिवेंज की एक्सरसाइज करेंगे और इसमें से ये जो पर्टिकुलर थॉट्स एंड फीलिंग्स है इसमें से हम बाहर निकलेंगे और 100% अपने आप को हील करने के लिए तैयार करेंगे। एक शांत जगह पर आप बैठ जाइए और अपने आप को रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस ले और आंखें बंद करते हुए वैसे कोई पर्सन को याद करें जो आपको लग रहा है कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट है ये पर्सन को माफ़ करना, वैसे पर्सन को याद करें जिसको याद करते हुए आपको लगता है कि मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा, मेरा उसके साथ बदला लेना बहुत ज़रूरी है, वैसे पर्सन को याद करें एंड याद करते हुए जस्ट इमेजिन करें कि
ऐसी कौन सी बिहेवियर है, वैसा वो क्या करे कि जिससे आप उसको माफ़ कर पाए, एंड जस्ट इमेजिन करे कि वो सारी बातें वो पर्सन कर रहा है जिससे आप उसको आसानी से माफ़ कर पाए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जस्ट इमेजिन कि वो पर्सन वैसी सारी बातें बोल रहा है, वैसी सारी बातें कर रहा है जिससे आप उससे जो नाराज़गी है वो डिसॉल्व कर पाए और आप उसको आसानी से माफ़ कर पाए और बदला लेने की जो भावना है वो आप निकाल पाए अपने मन में। तब तक वो पर्सन के साथ वो सारी बातें आप देखते रहे, विजुलाइज करते रहे, इमेजिन करते रहे कि वो सारी बातें वो पर्सन कर रहा है और आप उसे माफ़ कर रहे हैं। फाइनली आपको जब लग रहा है कि सच में मेरे अंदर अब उसके लिए कोई ऐसी रिवेंज की भावना नहीं है, तब आप अपने आप को भी इसमें से मुक्त करें और वो पर्सन को भी इसमें से आज़ाद करें। क्योंकि जब तक आप रिवेंज की भावना में है, आप एक्चुअली विक्टिमाइज्ड फीलिंग्स में आते हैं और ये विक्टिमाइज्ड पोजीशन आपको फर्गिवनेस के लिए रूम नहीं देती है और आपको लाइफ में ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं दे पाती है। सो ये वंडरफुल एक्सपीरियंस है, ज़रूर करना है। डिफ़िकल्ट लगता है शुरुआत में, तो आप कोशिश करें, जहाँ डिफ़िकल्टी आती है ड्रॉप करें, दोबारा कोशिश करें, बार बार करें, और जब तक आप पूरी तरीके से इसमें से बाहर ना निकल जाए तब तक इसको प्रोसेस को रोज करें। एक से ज़्यादा पर्सन है, अलग अलग पर्सन के साथ काम करें और अपना अंदर का जो वर्ल्ड है उसको क्लीन करते जाए। अब हम फर्गिवनेस की एक्सरसाइज के लिए फाइनली रेडी है। जब हमने हमारे रेजेंटमेंट को डिसॉल्व किया, हमने जब यहाँ पर काम किया है, रिवेंज की जो भी फीलिंग्स है उसको निकाला है अपने अंदर की वर्ल्ड से, तब हमारे अंदर एक और जो डीप डाउन भी कुछ पड़ा है कि जो हमें पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग करना है, तो फर्गिवनेस की एक्सरसाइज से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगेन आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करके शांत जगह पर बैठना है, थोड़ी बहुत लंबी गहरी सांसें लेके अपने आप को रिलैक्स करना है, एंड फिर जब आप पूरी तरीके से रिलैक्स है तब ये फर्गिवनेस की एक्सरसाइज करनी है। और वो ये है कि आपको कहना है कि आई फॉरगिव यू फॉर, एंड आई फॉरगिव टू हूम, आप किसको माफ करना चाहते हैं। आई फॉरगिव यू, फिर उसका नाम लीजिए, उसको याद करें, एंड वो पर्सन को याद करते हुए वो भी बोले कि तुमने जो मेरे साथ ये किया, आई फॉरगिव यू फॉर, तुमने मेरे साथ ये जो चीटिंग किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट द बिहेवियर, द बैड बिहेवियर यू हैव डन विथ मी, या जो भी है, तो वो इंसिडेंट जो भी है जिसके कारण आपकी नाराज़गी है, तो वो रीज़न को भी याद करते हुए, वो विथ दैट रीज़न आप उसको माफ़ कर रहे, वो पर्सन को याद करे, उसके कारण को याद करे और पूरी तरीके से माफ़ करे। ये एक्टिविटी आप अपने कोई पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं, या तो आप मिरर के सामने खड़े रहते हुए भी कर सकते हैं, बट आपको बार बार वो पर्सन को याद करते हुए उसको दोहराना है। आपका पार्टनर आपके साथ है तो वो जब फुल्ली कन्विंस हो जाता है तब वो बोलेगा थैंक यू एंड आई सेट यू फ्री, थैंक यू कि तुमने मुझे माफ़ किया और मैं भी तुम्हें मुक्त करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। जब वो पर्सन को लगे कि कम्प्लीटली वो कन्विंस है, आप सच में माफ़ी मांग रहे हैं दिल से, तब वो पर्सन ऐसा जवाब दे। या तो आपको विजुलाइज करना है, आप अकेले मिरर के सामने कर रही एक्टिविटी, तो कि आप सच में कन्विंस है और आपके आवाज़ आ रही है वो पर्सन के साथ से, सामने से पर्सन की, कि सच में वो मुझे भी थैंक यू कह के मुझे इसमें से फ्री कर रहा है, ये अनलूप हो रहे हैं हमारे कर्मा, एंड वो भी अपने लाइफ में अपनी जो जर्नी है उस तरफ आगे बढ़ रहा है और कर्मा से आपको मुक्त कर रहा है। तब तक आपको ये करते रहना है और ये कम्प्लीटली आपको फील हो कि सच में आप अनलूप हो चुके हैं वो पर्सन से, तब आप दूसरा स्टेप करें और वो ये है, मिरर के सामने देखते हुए कहे अपने आप को आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर, कि मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ फॉर सच वॉट एवर, फॉर के बाद जो रीजंस है जिससे आप गिल्ट लेके चल रहे हैं, तो आप वो भी सारी बातों को याद करें वन बाय वन, एंड वो सब में भी अपने आप को माफ़ करे। क्योंकि हम दूसरों को तो शायद फिर भी आसानी से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन खुद को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, isn't it? तो
तो खुद को भी माफ करें और पूरी तरीके से अपने अंदर की जो दुनिया है, अंदर का अंदर की स्पेस है, उसको बिल्कुल भी साफ करके बिल्कुल तैयार करें, जहाँ से अपनी लाइफ आप पूरी तरीके से हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अंदर प्योरिटी का एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, इज़न्ट इट? सो एक्सपीरियंस करें और देखें, और आपके कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर डेफिनेटली शेयर करें। अब लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज, जिससे मेरे पेरेंट्स के साथ के काफ़ी सालों तक मुझे जो रेजेंटमेंट था, मैंने सोचा था आई कैन नॉट फॉरगिव माय पेरेंट्स, आई विल नेवर फॉरगिव देम, बट मैं उनको फॉरगिव कर पाई। पेरेंट्स को वैसे फॉरगिव करना होता नहीं है, बट मैं उसको जो समझ नहीं पा रही थी, मैं उसको समझ पाई उनके, और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हुए, और इसके कारण मेरे बच्चों के साथ मेरे रिश्ते भी, जो मैं स्ट्रगल करती थी उनके साथ मेरे अच्छे रिश्ते की, मैं उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाई। तो अब हम ये एक्टिविटी करेंगे, ब्रेक थ्रू एक्टिविटी है, जहाँ से आप अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, और वो है विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है, आपको बहुत ही शांति से करनी है। ध्यान से पहले इसको समझिए, सुनिए, और फिर बार बार ये वीडियो प्ले करते हुए आप ये एक्टिविटी करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आप रेडी है बिल्कुल पूरी तरीके से विजुअलाइजेशन की ये एक्सरसाइज में, जहाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सोर्स के साथ कनेक्ट होंगे और पूरी तरीके से अपने आप को, अपनी लाइफ को हील करेंगे। और उसके लिए आपको अगेन शांत जगह पर बैठना है, रिलैक्स होके बैठे, लंबी गहरी सांसें लीजिए, और जब आप पूरी तरीके से रिलैक्स है, तब विजुलाइज करें, जस्ट विजुलाइज करें कि आप एक नेचर प्लेस पर है, और आप नेचर प्लेस पर वॉक कर रहे हैं, और दूर से आप देख रहे हैं एक बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, जो कहीं पर पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, एंड आपको देखकर वो अगेन छुप जाता है, और आपका अचानक वो छोटे से बच्चे के ऊपर ध्यान जाता है, जो करीबन 5 साल का है, 6 साल का है, और आप वो बच्चे की तरफ आपके कदम बढ़ा रहे हैं। जस्ट विजुलाइज करें, और आप नज़दीक आकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत छोटा सा बच्चा जो है वो और कोई नहीं है, बट आपका ही अपना बचपन का स्वरूप है, आपका ही यंग चाइल्ड का वो इमेज है। एंड आप देख रहे हैं कि वो बच्चा रो रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और आपको वो बच्चे को देख के दिल में करुणा जागती है, दिल भर आता है, आप बच्चे को गले लगाते हैं, उसको बहुत सारा प्यार करते हैं, हग करते हैं। जस्ट इमेजिन करें आपके अपने बचपन के स्वरूप को आप गले लगा रहे हैं, बीइंग एडल्ट, एंड देखिए बच्चा धीरे धीरे कंफर्ट आपके साथ हो रहा है, वो भयमुक्त हो रहा है, निर्भय हो रहा है, अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर स्माइल आ रही है, आपके ऊपर उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जब पूरी तरीके से वो बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है आपके साथ, तब जस्ट इमेजिन करें कि उसका, वो बच्चे को आप इतनी छोटी साइज में बना रहे हैं, जो आपके हार्ट के अंदर आ सके, फिट टू योर हार्ट हो सके, वैसा छोटा साइज आप बना रहे हैं। जस्ट इमेजिन, एंड वो सीधा वो बच्चे को हथेली पर लेते हुए, जस्ट इमेजिन कि आप अपने बच्चे को, बचपन के स्वरूप को आप अपने हार्ट में जगह दे रहे हैं। देखिए अब बच्चा बहुत कंफर्टेबल है, खुश है आपके हार्ट के अंदर, उसको जब स्पेस मिल रही है तब, एंड आप उसके सामने देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और वो बच्चा भी आपको देखकर मुस्कुरा रहा है और खेल रहा है। जस्ट देखिए अपना इनर चाइल्ड कितना खुश है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं नेचर प्लेस पर, जस्ट इमेजिन, और आप एक और छोटी सी बच्ची को देख रहे हैं, जो लिटरली कहीं पर बैठी हुई रो रही है, बहुत ही उदास है, एंड जब आप उसके पास जाते हैं, वो आपके सामने देखती है, अगेन उसको देखकर जस्ट इमेजिन आपका दिल भर आता है, क्योंकि वो आपकी माँ है, आपकी माँ का बचपन का स्वरूप है। आपने अभी तक अपनी माँ को इस पोजीशन में नहीं देखा था कि जो हेल्पलेस चाइल्ड है, जो बिल्कुल उदास है, कहीं पर कितने सवाल है उसकी आंखों में,
ये देखते हुए आपका दिल भर आता है, आप उसको गले लगाते हैं। जस्ट इमेजिन, आप कहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपको कोई भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपका साथ दूंगा। और जब आप ऐसा कहते हैं, माँ का बचपन का स्वरूप, वो बच्चा आपको गले लग जाता है, खुश हो जाता है, कंफर्टेबल फील करता है। और जब वो बच्चा खुश है, कंफर्टेबल आपके साथ फील करता है, वो माँ आपकी माँ है, माँ का बचपन का स्वरूप है, तब आप उसको जस्ट इमेजिन करें आपके हार्ट में वो फिट हो पाए, उतना छोटा साइज वो बच्चे का बन चुका है और आपने भी वो माँ के बचपन के स्वरूप को जगा दी है आपके हार्ट में। एंड वो बच्चा आपके बचपन का स्वरूप और आपकी माता दोनों खेल रहे हैं, जस्ट वो देखते हुए आप भी बहुत खुश हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन, अब और आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखिए, कोई एक लड़का है छोटा सा, वो रो रहा है, डरा हुआ है, गुस्से में भी है, और आपने नजदीक जाके देखा तो आपके पापा का बचपन का स्वरूप है। अब आप मास्टर हो चुके हैं बच्चों को प्यार देने के लिए, और आपने उसको तुरंत ही गले लगाकर उसको बहुत ही सेफ महसूस करवाया, बच्चा बिल्कुल सेफ और महसूस कर रहा है, खुश है। तब आपने भी उसको वो बचपन के स्वरूप को आपके पिताजी की आपके दिल में जगा दी है। तीनों बच्चे देखो साथ में मिलकर कितना खुश है, खेल रहे हैं, और ये देखते हुए आप भी बहुत खुश हैं। डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमेजिंग एक्सरसाइज। ये चाहे तो 2 घंटे तक भी मैं ये पूरी एक्सरसाइज को करवा सकती हूँ। आप इस जस्ट इमेजिन करें और इसको बार बार दोहराए, आप सच में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपके सोर्स में है। एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने इनर चाइल्ड, जहाँ आप इनकम्प्लीट है, या तो आपके पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, तब तक आप लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। पेरेंट्स के साथ आप कंप्लीट है, बट खुद के साथ इनकम्प्लीट है, आपका अंदर का बच्चा कहीं डरा सहमा हुआ है, अपना इनर चाइल्ड कहीं वुंडेड है, तो भी आप कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। सो दैट्स वेरी अमेजिंग एक्सरसाइज। बार बार करें, बार बार विजुलाइज करें, बार बार इसको महसूस करें, देखिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट इसमें से मिलेंगे। कुछ सवाल है पर्सनल काउंसलिंग या थेरापी के लिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल है ये वीडियो से जुड़े, आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगी। डियर फ्रेंड्स, अब बारी आती है आज की होलिस्टिक ट्रीटमेंट की। ये ट्रीटमेंट मैं अब बोलूंगी आपको इंग्लिश में, आपको सुननी है, बार बार उसको दोहराना है। आइए आज की ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस करते हैं। इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। चेंज इज द नेचुरल लॉ ऑफ माई लाइफ। आई वेलकम चेंज। I am willing to change. I choose to change my thinking. I choose to change the words I use. I move from the old to the new with ease and with joy. It is easier for me to forgive than I thought. Forgiving makes me feel free and light. It is with joy that I learn to love myself more and more. The more resentment I release, the more love I have to express. Changing my thoughts makes me feel good. I'm learning to choose to make today a pleasure to experience. All is well in my world. All is well in my world.